हमारे साउथर्न कमांड के चीफ जिनका नाम है एडमिरल आरजे नंदकर्णी, उन्होंने बीते रविवार को एक बहुत ही खास बयान दिया है जिसे सुन के पाकिस्तान में टेंशन बढ़ना पक्का है। उन्होंने बयान में कहा कि हमने कतर के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत कतर में इंडियन नेवी के ऑफिसर्स की तैनाती होगी। शायद अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कतर में भारतीय नेवी के ऑफिसरों की तैनाती से पाकिस्तान में टेंशन क्यों बढ़ेगा, तो यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, फिर भी पाकिस्तान अपने सेना के लिए हर साल $10-10 बिलियन तक खर्च करता है। अपने सेना पे खर्च करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है, जबकि हमें पता है कि वह रोड पे आ चुका है और चंदे के लिए देश देश भटकता रहता है। इसका जवाब है उसकी सेना गल्फ कंट्री को सिक्योरिटी प्रदान करती है। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर आदि देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर होती है, जिसके लिए पाकिस्तान उनसे अच्छे खासे पैसे वसूलता है। यानी पाकिस्तान अपनी सेना को किराए पर भेजता है ताकि वह गल्फ कंट्री को सुरक्षा दे सके। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब कतर में भारतीय नेवी के ऑफिसर्स भी तैनात होंगे। ये वो ऑफिसर्स होंगे जो इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके होंगे। ये ऑफिसर ना सिर्फ कतर में तैनात होंगे बल्कि कतर में उच्च पदों पर भी होंगे, जिस कारण यह ऑफिसर बांग्लादेशी नेवी और पाकिस्तानी नेवी के नौसैनिकों को कमांड देंगे। इस तैनाती से भारत को कई प्रकार के फायदे होंगे, जबकि पाकिस्तान को इससे नुकसान ही होने वाला है। पाकिस्तान जो अब तक अपनी सेना के जरिए गल्फ देशों से बड़ी रकम कमाता था, अब उसमें भारतीय सेना टक्कर देने के लिए शामिल हो चुकी है। दुनिया जानती है कि इंडियन नेवी कितनी प्रोफेशनल है। इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तानी नेवी की कोई औकात नहीं। आज भारतीय नेवी के रिटायर ऑफिसर कतर में तैनात हो रहे हैं, लेकिन कतर सरकार भारतीय नेवी के प्रोफेशन को देखकर भारतीय नेवी के कुछ बटालियन को कतर में तैनात करवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को काफी झटका लगेगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी सेना का बजट इसी सेक्टर से तय होता था, और अब भारतीय नेवी द्वारा इस सेक्टर में सेंध लगाने के बाद पाकिस्तानी सेना की बजट चरमरा जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना कमजोर होगी। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, दुबई आदि गल्फ देश अपनी खुद की आर्मी नहीं रखते, क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं खुद की आर्मी हुई तो वह तख्ता पलट ना कर दे। इन सभी देशों में राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब इन सभी देशों को राजा द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वहाँ के राजाओं को यह डर रहता है कि अगर खुद की सेना हुई तो वह तख्ता पलट करके हमारे राजपाट को ख़त्म ना कर दे। इसलिए यह देश दूसरे देशों के सेना को किराए पर लाकर अपनी सुरक्षा करवाते हैं। बीते कुछ सालों में सऊदी अरब जैसे देशों पर कई छोटे मोटे हमले हुए हैं, जिससे अपनी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर उनके चिंता का फ़ायदा उठाकर भारत अपने सेना को सऊदी अरब में तैनात करने में कामयाब हो पाता है, तो पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा कमाता है। अगर भारत पाकिस्तानी फ़ौज को सऊदी अरब से खदेड़ने में कामयाब हो पाता है, तो पाकिस्तानी फ़ौज की बजट काफ़ी कम रह जाएगी, फलस्वरूप उसकी सेना भी कमज़ोर होगी। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तानी फ़ौज को बड़े ही आराम से सऊदी अरब से निकाल सकता है, क्योंकि भारत के सऊदी अरब से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस जैसे देशों की सेना से कम प्रोफेशनल नहीं है, तो ऐसे सेना को कौन तैनात करना नहीं चाहेगा। दोस्तों, ऐसी सेना जो हमारे सर को गर्व से ऊंचा कराती है, उसके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।